हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इंग्लिश की वर्कशीट जो आपकी वर्कशीट नंबर 7 है 28 जुलाई की। तो ये क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही इजी सा वर्कशीट है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप सभी अपनी वर्कशीट को टाइम पर कंप्लीट कर लें। तो बहुत ही इजी वर्कशीट है जिसको आपको सिर्फ डायग्राम देकर आंसर्स करना है। मैच द नेम ऑफ द थिंग्स विद द पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स को देखकर आपको इनको मैच करना है। वेयर इज पिलो, तो पिलो का मतलब होता है तकिया। तो प्यारे बच्चों, आपको तकिया कहाँ दिख रही है, दिस इज, तो आप इनको मैच कर देंगे। पिलो मीन्स हो गया तकिया। स्पून, स्पून का मतलब क्या होता है, चम्मच। और स्पून आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, तो इसका मैच कर दीजिए यहाँ से। लैम्प, वेयर इज लैम्प, दिस इज लैम्प, तो यहाँ पर आप मैच कर देंगे लैम्प से। कॉम्ब, कॉम्ब मतलब होता है कंघा, तो कंघा कहाँ पर है, यहाँ पर आप इसको मैच कर दें। नेक्स्ट देखो, पांचवें नंबर पर क्या है, टेबल, वेयर इज टेबल, दिस इज टेबल, तो आप टेबल को मैच कर दीजिए। बोट, बोट मीन्स होता है नाव, तो नाव को आप मैच कर दीजिए। नेक्स्ट आप इस साइड देखेंगे तो बास्केट, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, तो आपको यहाँ बॉटम में दिख रहा है ये बास्केट हो गया। सूज का मतलब होता है जूता, दिस इज सूज। कार अगर आपको देखना है तो यहाँ पर दिख रही है रेड कलर की फरारी कार, तो आप इसको क्या करें, डायरेक्टली मैच कर दें। ब्रेड, आप सभी खाते हैं ब्रेड, है ना, तो यहाँ पर ब्रेड आपको दिख रहा है, ब्रेड हो जाएगा। मग, मग कहाँ पर है, सबको कॉफ़ी पीना है ना, तो यहाँ पर आपको मग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है पेंसिल, लिखना किसी को नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, पेंसिल। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, मैचिंग करना है, लिखना तो है नहीं, तो ये आपको पेंसिल सिर्फ आपको मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ डायग्राम को देखकर, फिगर को देखकर, पिक्चर्स को देखकर आपको उनके सामने मैचिंग कर देनी है, ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लुक एट द पिक्चर, चूज द नेम फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये इतना इजी सा वर्कशीट आसानी से समझ आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर देखना है एप्पल, एप्पल कहाँ पर है, तो यहाँ 7th पोजीशंस पर आप देखेंगे एप्पल, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, एप्पल। बस, 2nd नंबर पर यहाँ हमको बस दिख रहा है, तो बस कहाँ पर है, यहाँ पर है, है ना, बस से आप सभी घूमने जाते हैं, तो बस दिख रहा है, तो बस यहाँ पर है। 3rd नंबर पर बॉय, वेयर इज बॉय, तो बॉय कहाँ पर है, ये है, कार्टून ही कर रहा है ना ये, तो यहाँ पर लिख दो बॉय। नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल कहाँ पर है, ये है, बड़ी बड़ी आँखों वाली, है ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, गर्ल लिख देंगे। नेक्स्ट है बॉल, आप सभी फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ 8th नंबर पर क्या फिल कर देंगे, बॉल। नेक्स्ट है स्कूल, है ना, जो आप सभी का स्कूल अभी बंद है, आप सभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट आपको स्कूल तो अभी भी याद होगा ना, तो स्कूल आपकी यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको स्कूल, अपना भूलना मत अभी अपने स्कूल को। नेक्स्ट है डॉग, कहाँ पर है डॉग, यहाँ पर 2nd नंबर पर डॉग। रोज, रोज कहाँ पर है, 4th नंबर पर दिख रहा है हमें, है ना, रोज, वैलेंटाइन नहीं आ रहा है, रोज, रोज आपको 4th नंबर पर रखना है। टाइगर, टाइगर कहाँ पर है, तो ये 9th नंबर पर हमको दिख रहा है टाइगर, तो यहाँ पर आप टाइगर कर देंगे। नेक्स्ट है बैग, सबसे लास्ट में देखो बैग, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बैग। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ आप इसको लिख लो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु एम आई, हु एम आई, टिक माई नेम एंड फिल इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आई एम आ, ये आपको क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो ये आपको काऊ दिख रहा है, तो काऊ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, काऊ। आई एम एन, ये क्या है, अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला पर टिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अम्ब्रेला। नेक्स्ट है आई एम आ, ये क्या दिख रहा है आपको, हाउस दिख रहा है, पार्क दिख रहा है या सर्कस दिख रहा है, तो ये ना तो पार्क है ना तो सर्कस है, क्या है ये, हाउस है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आई एम अ हाउस, तो आप सभी को समझ आ गया होगा, है ना। रिमेंबर आल पीपल एनिमल प्लेस थिंग्स हैव अ नेम, ठीक है, कोई भी पीपल होता है, कोई भी लोग हैं, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लेस है, तो हर एक चीज़ का नाम होता है,
ठीक है। तो इतना आज की वर्कशीट में इनफ है, नहीं तो ज़्यादा आपके माइंड से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।